गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, मैं आपके बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। जिस प्रकार महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि का आशीष प्राप्त हुआ था, जिससे कुरुक्षेत्र में घट रही घटना को वो देख सकते थे, उसी प्रकार उस गुणवादी शक्ति का चरितार्थ करते हैं आप, यथा नाम तथा गुण। जिस प्रकार संजय को महाभारत में किसी के प्रति ना स्वभाव था ना कोभाव था, उसी प्रकार आप जो अच्छा है उसे देखते हुए हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रीटिंग्स एकता मैम, वैसे तो बोलना बहुत कुछ है बट अभी के लिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, इतना स्टार्टिंग से एनकरेज किया है आपने मेरी सिंगिंग के लिए। मैंने एंकरिंग का ऑडिशन भी किया था उसके लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सपोर्टिंग हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो सबसे। एंड जैसे आपको पता है कि मेरा इंटर्नशिप वगैरह आपने जो करवाई थी तो वो बहुत अच्छी गई थी, और ब्रांडरा वगैरह हर जगह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, विशिंग ऑल द टीचर्स ऑफ अरीना अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। अरीना हैज ऑलवेज बीन सो मच फन, एक्साइटिंग एंड नॉलेजफुल। Knowledgeful because of you people, our teachers. Our teachers are super supportive and basically like our friends, because they understand the problem and help us solve it. Today, speaking about Pawar sir, Pawar sir ki class tayar hamesha bahut hoti thi. Like unse padhna, unki padhai mein beech beech mein jo unke jokes hote hain and everything. Like he's super supportive. Unke padhane ka tarika, unke har student ko observe karke usko solution batane ka tarika is very unique. इसीलिए आज भी इफ ही हैव एनी प्रॉब्लम, फर्स्ट नेम विच कम्स टू अस फ्रॉम अरीना इज ऑब्वियसली पवार सर, बिकॉज ही हैज सॉल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो थैंक यू पवार सर, विशिंग यू एंड ऑल द टीचर्स अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे अगेन। फ्रॉम अरीना एनिमेशन नीता वरिंदर, बेस्ट 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर टीचर्स, एंड सभी टीचर्स के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है। सभी टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं, तो एक एक करके मैं सभी टीचर्स के बारे में बात करने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देन मैं बेवो सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली आपको हर मतलब स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे सही गाइडेंस की, अपने करियर को लेकर सही गाइडेंस की जरूरत रहती है, तो उस टाइम मुझे मतलब वैभव सर एंड डायरेक्टर सर दोनों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे बिल्कुल सही गाइडेंस दिया, है ना। जैसे मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि एक चाणक्य का कोट है, काफ़ी अच्छा कोट है, वो आपने सुना ही होगा कि हर चीज़ का आप एक्सपीरियंस करने जाओगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी छोटी पड़ जाएगी आपको। इसलिए जिसने पहले ही एक्सपीरियंस किया हुआ है
आप उससे उनका एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। और एक टीचर ही एक ऐसे रहते हैं, एक मात्र ऐसे पर्सन रहते हैं जो अपना एक्सपीरियंस आपको देते हैं, ठीक है। अब वो आपका काम है लेना कि आप उनसे कितना ले सकते हो उनका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज रहती है कि आप जितना ज्यादा अपने टीचर्स के साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो आप उनसे बात करेंगे तो ही वो कुछ रिप्लाई देंगे, और उनके रिप्लाई ही आपके आगे चल के काम आएगा, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल लेते हैं वो उनके एक्सपीरियंस से बोलते हैं। जैसे आपको डाउट लेके जाते हो ना, तो वो डाउट पट से सॉल्व चुके हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इतना एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं उन चीज का। आपसे पहले ना जाने कितने उनके पास ऐसे डाउट्स आ चुके होंगे, है ना। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, आप उनसे बातचीत करोगे, आप उनसे पूछोगे, तो आप भी उनके इतना मतलब उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। और कभी मैं व्यवसाय की कुछ अच्छी क्वालिटीज की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छी भी, कुछ लोगों के लिए वो बुरी भी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी व्यवसाय की, व्यवसाय की R&D काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप मतलब कुछ भी कंपनी आती है तो आपको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर इतना कर देते हैं कि उसकी पूरी कंपनी पूरी R&D कर लेते हैं, ठीक है, कि किस टाइप के काम होते हैं वहाँ पर, क्या होता है, किस टाइप के वो असाइनमेंट देती है, किस टाइप का वर्क देती है, किस टाइप के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं किसी भी न्यू कंपनी के लिए, जो कुछ भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको पहले से इतना प्रिपेयर करके रखते हैं व्यवसाय। और सेकेंड ये है कि व्यवसाय में पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है। आपका टाइम कब निकल जाता है क्लास में आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि क्लास में मतलब मैं बैठता हूँ कब क्लास खत्म हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। और जब मैं टाइम देखता हूँ कि हाँ टाइम तो हो चुका है क्लास का, क्योंकि मतलब इतना एंटरटेन करके पढ़ाते हैं सर कि बाकी में, और समय समय पर मतलब पढ़ाने के साथ साथ उनकी नज़र चारों तरफ रहती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उनकी नज़र सब दूर रहती है क्लास में भी। थर्ड चीज़ जो कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है, आप एक दिन भी बिना बताए क्लास में छुट्टी करते हो तुरंत आपके घर पे फोन लग जाएगा। नंबर आपने दिया हो ना दिया हो वो पता नहीं, पर आपके घर पर फोन लग जाएगा। और आपका आपको कुछ लोगों के लिए अच्छा लगता है कि हाँ भैया कि बच्चे की तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया, पर कोई बच्चा घूमने निकल जाता है तो दिक्कत आ जाती है उसको थोड़ी सी, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इससे क्या है मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में ही चलते हैं, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस किया कि हम कहीं पे भी हों मतलब सर का क्लास का टाइम हुआ है मतलब क्लास में जाना पड़ेगा ही, आप कहीं इधर उधर मस्ती नहीं मार सकते, क्योंकि आप लेट हुए तो डायरेक्ट आपके घर पर फोन लगेगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है वो सर की, और ये मतलब मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। वैसे मेरे घर पर अभी तक फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि मैं सारी क्लासेस खुद आके ले लेता था, क्योंकि वैसे मुझे व्यवसाय की क्लास काफ़ी अच्छी लगती थी। और अभी मैं उसी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ, व्यवसाय से जो सीखा है उसी फील्ड में, तो वो काफ़ी अच्छा है। और साथ में डायरेक्टर सर का भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस रहा है मेरे प्रति, तो मतलब मैं कुछ भी मुझे दिक्कत आती थी, कुछ भी मुझे क्वेश्चंस रहते थे या कुछ भी मतलब मेरा रहता था कि मुझे पूछना है या कुछ करना है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी, आप क्लियर डायरेक्टर सर के पास जाओ, बस आपका आपके क्वेश्चंस रखो सर के पास में, आंसर आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन आप कुछ भी लेके चले जाओ, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप सर के पास जाओ कि सर मतलब मुझे इंटर्नशिप करना है, या सर मुझे जॉब चाहिए, या सर मुझे मतलब इस फील्ड में करना है, सर आपको मतलब टाइम पर बस आप एक बार बोल दो सर से, सर आपको खुद पर्सनली गाइड करते रहेंगे हर चीज़ के लिए। आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको मतलब बताएंगे कि ये है इसमें आपको करना चाहते हो, मतलब इतना मतलब कोई दूसरा इंस्टीट्यूट में कोई इतना नहीं करता यार जितना करते हैं हमारे डायरेक्टर सर अपने हमारे लिए। मतलब आपको कुछ भी छोटी सी भी समस्या है, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रही रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आप कि सीधा जाओ डायरेक्टर सर के पास, सॉल्यूशन उनके पास 100% रहेगा। क्योंकि मैंने तो मतलब जब भी मैं क्वेश्चन लेके गया हूँ तो मैं खाली हाथ आया ही नहीं हूँ वहाँ से, 100% मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला है, है ना। और मैं काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ वेवो सर एंड डायरेक्टर सर, एकता मैम एंड तन्वी मैम, और अपने राज सर, संजय सर, सभी सर के बारे में मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही है वहाँ पर। और सभी टीचर्स इतने एक्सपीरियंस थे कि उनसे 5 मिनट खड़े होकर हम बात भी करते हैं ना कुछ उनसे सीखने को हमें मिलता ही है, और आगे जाकर लाइफ में काम भी आता है हमारे। तो जैसे रिंकी मैम हुए, ये सब मतलब
शिल्पा मैम, राहुल सर, ये सभी मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं कि इनसे मतलब आप 5 मिनट भी बात करते हो ना तो मीन्स आपको मतलब एक नया टॉपिक मिल जाता है, इनसे बात बात में एक नया टॉपिक मिल जाता है जिससे आप R&D करके कुछ नया सीख सकते हो। एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर टीचर्स एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा और हमें इतना मतलब काबिल बनाया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच एंड बाय। हेलो गाइस, दिस इज प्रिया जैन एंड आई एम एन एक्स अरीना स्टूडेंट। आई एम निशी जैन, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू वैभव सर। सो हु इज वैभव सर? वैभव सर इज अ 3D फैकल्टी एट अरीना। ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट विद सच अ गुड स्केचिंग स्किल। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज सच अ ग्रेट मेंटर विद मोटिवेशनल पर्सनालिटी। सो बेसिकली ही इज द बेस्ट। Thank you, Vaibhav sir, for teaching us. We have had your support no matter where we are. So, tab tak ke liye shubh ratri, shabba khair, good night, bye bye. Devo rushtute gurustata, guru rushtute nakashchada, gurustrata, gurustrata, gurustrata me shanshay. अर्थात भगवान रूठे पर गुरु में रूठे। अगर भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु हमें एक रास्ता दिखा देंगे, बट अगर गुरु रूठ जाएंगे तो फिर हमें कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। इसका मतलब है कि गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपने गुरु मैम को मानता हूँ, रिंकी मैम को। मुझे आज भी याद है कि मैम जब फर्स्ट टाइम मुझे मिला था, वैसे तो आपके लिए बहुत सारी बोलने की बातें बहुत सारी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक साथ इतनी सारी बातें बता पाऊँगा। पर मुझे आज भी याद है जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला था, तो शायद वो दिन बहुत अच्छा होगा जो आप मेरी लाइफ में गुरु के रूप में आए हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा है, आपने हमें दिया है और हम आज उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। शायद वो लेगेसी जो आपके पास है वो हम भी आगे लेके चल रहे हैं। आपके लिए कुछ लाइंस हैं जो आपको शायद पसंद आए, तो ये है कि चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में। ये जो सिलसिला हो चला शुरू है, जिन्हें कहते हैं लोग गुरु हैं। वैसे तो दिखने में ये आम इंसान है, पर सच में मानो तो हमारे लिए ये भगवान है। इन्हें इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना ये ज़िंदगी अनजान है। इनके सहारे ही हम परिंदों से आसमान में परवास पाते हैं। हमारी कैसी भी मुश्किलें हो, हमेशा ये हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। इनका हमारी ज़िंदगी में यूं ही होना बस हमारे लिए कुछ खास है। आपके सामने छोटे ये हर अल्फाज हैं। हमारी बस एक ही दुआ है उस रब से, हाथ उठे ना कभी आपका हमारे सर से। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ माय अरीना फैकल्टी। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड बिल्ड आवर करियर इन द बेस्ट वे। कहते हैं हर स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे उनके फैकल्टी का हाथ होता है। आज मुझे मौका मिला है कि मैं मेरे फैकल्टी को थैंक यू कह सकूँ। थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर टीचिंग मी। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है कि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल और यूनिक रहता है। हम आपसे कभी भी डाउट पूछें, आप हमेशा हमें बताने के लिए रेडी रहते हैं। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये भी लगती है कि जैसे ही हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वैसे ही आप हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन बता देते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग अस। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी यह भी लगती है कि आपका पढ़ाने का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। आपके क्लास में कभी भी कोई भी बच्चा बोर नहीं होता, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। एंड थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ टीचर्स डे आई रिकॉल माई टाइम इन अरीना। I mean everyone was so great in there and so helpful, especially my time with Shilpa ma'am was so amazing and her classes were so light-headed and chill. She encouraged me in every way possible and it was like teaching hour is a teaching hour. Other than that, we had so much fun together. We celebrated birthdays, we went on our trips together. To be honest, it was such a warm and soothing experience and I'm too honored to be the part of your class. Also, I remember my days, paintings and learning things from you and I miss all those things. And in the end, I just like to say that Roshni Bankar eyes job hamari zindagi mein aise guruon ko main pranam karti hoon. Aasman tak pahunchane ka jo rakhte hain honor, aise teachers ko main salam karti hoon.
Thank you so much, Arina. Thank you so much, ma'am, for everything you did and to the place I stand today. Thank you, and it means a lot. Happy Teachers Day. सभी कुमारों को मेरा प्रणाम। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं सभी को कुमार क्यों बोल रहा हूँ। भले ही ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, पर ये शब्द राजसर के है, क्योंकि राजसर इज अ पर्सनैलिटी की आप वो आपके दोस्त ज्यादा है और फैकल्टी कम। अनडाउटेडली जब वो पढ़ाने आते हैं तो इज अ फैकल्टी, बट पढ़ाने के अलावा इज अ वेरी गुड फ्रेंड। वो आपके डाउट ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि उन्होंने डाउट सॉल्व कर दिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि मैं उनके पास डाउट कम लेके जाता था और दूसरी बातें ज्यादा, बट राज सर के जैसा आपको दोस्त पूरे अरीना में कहीं नहीं मिलेगा। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे सर। मैं जानता हूँ कि मुझे आपको फ्रेंडशिप डे पे विश करना चाहिए था, बट देरी सही, पर आप फैकल्टी भी तो है। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, दिस इज यशस्वी शर्मा एंड आई एम टेलिंग अबाउट माय टीचर नेम गीतांजलि मैम, एंड वो हमें स्केचिंग सिखाती हैं। वो उनमें बहुत पेशेंस है, हम उन्हें उनसे कितनी भी बार पूछ ले वो उतनी बार हमें बता देती हैं। वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। हमें ऐसी ही स्केचिंग टीचर की जरूरत थी। उनके उनके नजरिए में हर एक बच्चा एक ही तरह है। ऐसा अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि मुझे नहीं आता हो और ऑकवर्ड फील हो रहा हो, तो उतने में मैम उसे पूरा अच्छी तरीके से इम्प्रूव करवा के हमारे लेवल तक ले आती हैं, और वो मतलब बहुत अच्छे लेवल तक आ जाता है। जिन बच्चों को स्केचिंग बिल्कुल नहीं आती थी, उनको भी मैम ने बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया है। वो अपनी स्केचिंग और सब कुछ से मतलब बहुत जाने जाते हैं वो। और मैम अपनी क्लासेस में ऐसा बच्चों को बोरिंग फील नहीं होने देती हैं। वो हंसाती हैं, सब कुछ करती हैं, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। ग्रीटिंग्स राहुल सर। जब मैं अरीना आया था तो मैं इस एनिमेशन फील्ड के बारे में टोटली ब्लैंक था, बट जब आपसे मैं मिला, आपने मुझे इस एनिमेशन नाम की सागर के बारे में बताया, इसकी गहराइयों के बारे में समझाया और इसमें डुबकी मारना सिखाया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड वाह क्या चीज है। बट आप दो चीजें बताना भूल गए कि इस एनिमेशन के सागर का पानी खारा होता है और जितनी लंबी डुबकी मारनी है उतनी लंबी सांस रोकना आपको आना चाहिए। बट थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा हमें मोटिवेटेड रखा, हमेशा हमें आगे बढ़ना सिखाया, एंड हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमें मोटिवेटेड रखें। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। हेलो तन्वी मैम, पहचान तो गए हो आप मुझे। मैं वही हूँ जो आप जिस अदनान के जिस डिसीजन पे आप नाराज होते हो, मैं वही डिसीजन हूँ, अदनान का गलत वाला डिसीजन। तो पहले तो मैं उस चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगा, एंड सेकेंड चीज़ ये कह रहा हूँ मैम कि मैं आज जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, नो जोक्स। मैं कोई जोक क्रैक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से आपके साथ हंसी मजाक करते रहा हूँ, एंड आई एम थैंकफुल कि आप मेरे साथ इतने फ्रैंक रहे हो। एंड आपको मालूम नहीं मेरे आंखों में सभी आंसू आ रहे हैं, लेकिन सॉल्ट की कमी है इसलिए वो दिख नहीं रहे होंगे, मतलब निकल नहीं रहे आंसू मेरे वो, क्योंकि हुआ ये है ना कि अदनान सारा खारा पानी तो अदनान को राहुल सर ने दिखा दिया, अदनान उसमें तैर रहा है अभी। एंड मैं यही कहना चाहूँगा मैम एक चीज़ के लिए, थैंक यू हमेशा से कहना चाहूँगा, लाइक मेरी कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, मेरी फीस की प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम इंटर्नशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपने वो सारी प्रॉब्लम सुनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक यू मुझे सहने के लिए। विशिंग यू हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू। एरिना की सारी फैकल्टीज को मेरी तरफ से सल्यूट फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट दे आर टीचिंग अस। बट बात जब सिस्टम को मेंटेन करने की आती है तो सिर्फ एक ही नाम मेरे नज़र में आता है, वो है जितेंद्र जी, जितेंद्र पांडे जी। आपने इनका पूरा नाम तो सुना ही होगा, लोग इन्हें पांडे जी के नाम से जानते हैं। वेल, मैं भी इन्हें पहले पांडे जी ही बुलाता था, मुझे पता नहीं था इनका पूरा नाम क्या है। बट देन जैसे जैसे धीरे धीरे इनसे बातचीत बढ़ती गई, उन्होंने वैसे मैंने कभी इनसे पूछा नहीं था कि इनका पूरा नाम क्या था, बट देन टू वे मुझे पता चल गया कि इनका नाम जितेंद्र पांडे जी है। बाकी मैं प्यार से इन्हें चुलबुले पांडे जी बुलाता हूँ। चुलबुले इसलिए क्योंकि इनका थोड़ा हंसमुख मिजाज भी है और ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। आपको जब भी कहीं भी ऐसी नीड हो कि सिस्टम में कुछ भी एरर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप बस दिल से पांडे जी को याद करो, पीछे से एक आवाज आएगी, स्वागत नहीं करोगे हमारा, और पांडे जी प्रकट हो जाएंगे। पांडे जी, वी रियली लव यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द थिंग्स। आपने जितनी भी हेल्प करी है हमारी,
आई होप हम आगे भी ऐसे ही आप हमारी हेल्प करते होंगे और हम आपसे कुछ ना कुछ सिस्टम के बारे में सीखते रहेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. विशिंग यू अ हैप्पी टीचर्स डे. गाइस, जब हम पहली बार अरीना आए थे तो हमने सबसे पहले किससे मुलाकात की थी? वेल, मैं मेरा बोलूं तो मेरी सबसे पहली मुलाकात अरीना में नेहा मैम से हुई थी. और नेहा मैम ने उस मुलाकात में मुझसे खाली एक ही चीज पूछी कि तुम यहाँ क्यों आए हो. और वो सवाल ही कुछ इतना गंभीर सा था कि उस सवाल का जवाब मैं यहाँ अरीना में 2 साल से ढूंढता आ रहा हूँ. वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेहा मैम इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड उन्हें अगर खुश करना हो तो बस उन्हें सेल्फी लेने दो. और सबसे बेस्ट पार्ट, पता है नेहा मैम को क्या पसंद है? पालक. विशिंग अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे नेहा मैम. थैंक यू. हेलो विशिका मैम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यू आर द मोस्ट क्यूटेस्ट फैकल्टी ऑफ एरिना एनिमेशन एंड आपका हमारी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान है. बिकॉज आप भी रोज हमें बुक्स अलॉट करते हो एंड ऑल्दो वी हैवंट इंटरेक्टेड दैट मच, या तो आप मैं आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि वी रियली लव योर स्माइल. सो एट द एंड यही कहूँगा कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू. विशिंग यू अ हैप्पी टीचर्स डे. हेलो अंजलि मैम, आपसे मिले हुए इतना टाइम तो हुआ नहीं क्योंकि आप अरीना आए ही ऐसे टाइम हो जबकि अरीना आया ही नहीं. बट देन यू आर अ गुड, वेरी गुड पर्सन एंड थैंक यू फॉर मेकिंग आवर क्रियोसोल्स आईडी, क्योंकि आपके बताने के पहले हमें पता ही था कि क्रियोसोल्स नाम की कोई चीज़ होती भी है. और हम चाहेंगे कि हमें आपके बारे में और कुछ पता चले. विशिंग यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे. बाय बाय.